हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है दोस्तों, और वो है ऑन कोटा सिस्टम। दोस्तों मेरे भाई का नाम है आशिक गुप्ता और इसने 10th एग्जाम पास किया था विद टोटल 95% ऑफ मार्क, 12th एग्जाम पास किया विद 97.5%, नीट का एग्जाम क्लियर किया विद टोटल 440 मार्क्स, फिर भी इसे MBBS करने से रोका जा रहा है, इसे MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने से रोका जा रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी कोटा सिस्टम। दोस्तों मेरे भाई ने 11th एंड 12th क्लास बेंगलोर में पढ़ाई किया था मेरे साथ, और इस कारण उसे MBBS करने से रोका जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है ये फेयर हो रहा है इसके साथ? आज जो मेरे भाई के साथ हुआ कल वो आपके साथ हो सकता है, आपके फैमिली के साथ हो सकता है। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस देश की किसी मंत्री पर भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा है तो इस देश के सिर्फ एक इंसान पे, और वो है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर इस कोटा सिस्टम को कोई बंद कर सकता है, अगर इस कोटा सिस्टम पे कोई बैन लगा सकता है, तो वो बस एक ही इंसान है, और वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सो गाइज, प्लीज शेयर दिस वीडियो अंटिल इट रीच टू आवर प्राइम मिनिस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।